सब्सक्राइब इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स। आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं डिफेंस से जुड़ी टॉप अपडेट्स को। और आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे महिंद्रा डिफेंस से। महिंद्रा डिफेंस जो कि एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, और इसे आप टाटा डिफेंस का एक राइवल भी मान सकते हैं। इन्होंने खुद की एक व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म जो है उसको विकसित कर लिया है इंडियन आर्मी के लिए, और उसकी टेस्टिंग को भी शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल ये जो व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म है, ये भी 8x8 होने वाला है टाटा वैप के जैसे ही। और इसे पावर करने के लिए एक 600 हॉर्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। और माना जा रहा है कि जो महिंद्रा डिफेंस का यह व्हीकल है, ये इस समय ट्रायल से गुजर रहा है, और बहुत जल्दी इसे जो आर्मी ट्रायल्स के लिए भी परमिशन मिल सकती है। जी हाँ, इसको एक बार जब आर्मी ट्रायल्स की परमिशन मिलेगी, तो इंडियन आर्मी के द्वारा अलग अलग टेरेन में अलग रिक्वायरमेंट के आधार पे इसको टेस्ट किया जाएगा, और जो भी निर्णय सामने आएंगे उनके आधार पे जो आगे का फैसला है वो किया जाएगा। इंडियन आर्मी ने हाल ही में एक इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल को खरीदा है, या इंडक्ट किया है हम यूँ कह लें, जो कि वैप है। वैप एक 8x8 व्हील आर्मर प्लेटफॉर्म है जिसको टाटा के द्वारा बनाया गया है। हालांकि ये एम्फीबियस कैपेबिलिटी के साथ में भी आते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी ने अभी तक कोई भी बल्क ऑर्डर नहीं दिया है। माना जा रहा है कि इंडियन आर्मी जब बल्क ऑर्डर देगी तो वो ऑर्डर दो भाग में स्प्लिट होंगे। वो ऑर्डर टाटा डिफेंस को भी जाएंगे, या टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को जाएंगे, और महिंद्रा डिफेंस को भी उन ऑर्डर्स का एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है। लेकिन इसके लिए अभी महिंद्रा डिफेंस की ये जो व्हीकल है, इसे काफ़ी इंटेंस ट्रायल से गुजरना होगा, और अपनी जो काबिलियत है उसको साबित भी करना होगा। हालांकि आपको पता ही होगा कि कल इसी के संबंध में हमने एक और न्यूज़ बताई थी आपको, जहां पर अमेरिका ने अपना जो स्ट्राइकर है वो भी भारत के सामने पेश किया है, जिसको लेकर के उन्होंने दावा किया है कि अगर इंडियन आर्मी उसको सिलेक्ट करती है तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी भारत को उसकी दी जाएगी, और उसका इस्तेमाल जो भारत के खुद के प्लेटफॉर्म है उसमें किया भी जा सकेगा। तो आने वाला समय काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ आने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को लेकर के। हम सब जानते हैं कि MQ-9B जो सी गार्डियन ड्रोन है, इसको लेकर के भारत अमेरिका से बातचीत कर रहा है, और इसकी जो कॉस्ट होगी वो तकरीबन $3 बिलियन की होगी। तो अब यहाँ पर रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि अमेरिका और भारत दोनों के तरफ से प्रयास ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये जो पूरा प्रोसेस है इसको फास्ट ट्रैक किया जाए, ताकि ये ड्रोन्स भारतीय सेना को ज्वाइन कर लें, और इनके आने के बाद जो कैपेबिलिटी है वो तो हमें पता ही है कि किस प्रकार इन्हेंस होने वाली है। आपको हम बताना चाहेंगे कि अमेरिका से 30 की संख्या में जो ये ड्रोन्स खरीदे जाएंगे, इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भी बातचीत चल रही है, जहां पर जनरल एटॉमिक्स की तरफ से ये कहा गया है कि वो भारत में ही इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी कर रहे हैं। और नेवी चीफ ने खुद मीडिया से बात करते हुए ये कन्फर्म किया था कि डील के हिसाब से जो 60% ड्रोन्स होंगे संख्या में, उनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा, और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उस पर भी बातचीत की गई थी। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो यहाँ पर संख्या को लेकर के अभी थोड़ी आम सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि हमने बीच में ये भी खबर सुनी थी कि जो इंडियन आर्मी है वो इनको लेकर के उतनी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी का ये मानना था कि $3 बिलियन की लागत में, यानी $100 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से जो ये ड्रोन्स हैं इनको खरीदना कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि इंडियन आर्मी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हेरॉन टीपी से ही पूरी हो जाती हैं। और रिपोर्ट को आधार बनाकर ये माना जा रहा था कि शायद इंडियन आर्मी इसको लेकर के उतनी इंटरेस्टेड नहीं है। खैर, इसके अलावा जो MQ-4C ट्राइटन है, उसका भी ऑफर US ने भारत को किया है, और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इसमें जो हर्डल्स हैं उनको हटा दिया जाएगा, और जो अभी तक बाधाएं आ रही हैं इस डील में वो माना जा रहा है कॉस्ट को लेकर के आ रही हैं, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अभी आम सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन रिपोर्ट्स ये क्लेम की जा कर रही हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो बातचीत चल रही है वो बहुत जल्द किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाएगी, और एक जो बड़ा ऑर्डर है भारत के द्वारा इन ड्रोन्स का दिया जाएगा, क्योंकि इंडियन नेवी ऑलरेडी इनके परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एरो इंडिया 2023 को लेकर के आ रही है। एरो इंडिया 2023 में इंडियन पेवेलियन में आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का एक फुल स्केल जो एयरक्राफ्ट है वो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस में देखने को मिलेगा। ये एयर शो 13 से लेकर के 17 फरवरी तक यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। रिपोर्ट्स पे ये बताया जा रहा है कि ये जो एयर शो है, इसमें भारत अपनी और भी कई ताकतें हैं जिनको प्रदर्शित करेगा, और बाकायदा यहाँ पर आपको एक सेपरेट जो इंडियन पेवेलियन है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर फिक्स विंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो शोकेस किए जाएंगे, जो कि इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती जो बढ़त है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। वहीं भारत ये भी प्रदर्शित करेगा कि किस प्रकार जो एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम है वो भारत में विकसित हो रहा है,
भारत इसके अलावा जो सिमुलेटर्स हैं, दूसरे सिस्टम्स हैं और जो अनमैन एरियल व्हीकल्स हैं उनको भी प्रदर्शित करेगा। और भारत ये भी बताएगा कि किस प्रकार पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिल करके इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि इस दौरान तेजस से संबंधित जो जानकारी है वो आने वाले बाहरी जो मेहमान हैं उनके साथ शेयर भी करी जाएगी। आपको हम पहले से बता दें कि इस बार का एयरो इंडिया काफ़ी खास है क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो आपको शायद पहली बार देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपको यहाँ पर तेजस मार्क टू के बारे में जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। तेजस के बारे में तो हमने बात करी ही, वहीं अगर मेहमानों की बात करें तो पहली बार आपको यहाँ पर F-35 लाइटनिंग 2 देखने को मिलेगा जो कि स्टैटिक और फ्लाइंग दोनों डिस्प्ले में होगा। B-1 बॉम्बर आपको यहाँ पर दूसरी बार देखने को मिलेंगे। F-15 EX और F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं ये भी आपको एयर इंडिया 2023 का हिस्सा बनते दिखाई पड़ेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने टिकट्स को बुक नहीं किया है तो आप एयर इंडिया की साइट में जा कर के देख सकते हैं और आप इस मौके को एकदम ना गंवाएं क्योंकि ये मौका काफ़ी दुर्लभ है और आप भी जा कर के इन सारे जो मनोरम दृश्य हैं इसका आनंद उठा सकते हैं। अगर हम डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने तो इस बार का एयर इंडिया जो शो होगा उसमें अधिकतर भारत अपने स्वदेशी जो हथियार हैं उनको प्रमोट करने का प्रयास करेगा और अभी तक जो तैयारियां सामने आई हैं उसमें ऐसा होता प्रतीत भी हो रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एम्ब्रेयर के C-390 मिलेनियम को लेकर के आ रही है। हमने आपको पूर्व के अपडेट्स में भी बताया कि एम्ब्रेयर इस समय अपने इस प्लेटफॉर्म को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव वे में भारत से बात कर रहा है और एम्ब्रेयर के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि उनका जो C-390 प्लेटफॉर्म है वो ना सिर्फ इंडिया की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम है बल्कि ये हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए सर्टिफाइड भी है क्योंकि ये 14,000 फीट या उससे ऊपर की ऊंचाई में ऑपरेट कर सकता है और ये इंडिया के जो नॉर्दर्न सेक्टर हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट बन के सामने आ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसी पर आधारित एक KC-390 एयरक्राफ्ट भी इंडिया को ऑफर किया जाएगा जो कि एरियल रिफ्यूलिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट से डिराइव किया गया है और उनका ये दावा है कि इसको बनाने में काफ़ी यूनिक जो मॉडर्न डिज़ाइन है उनका इस्तेमाल किया गया है जिसके चलते जो एरियल रिफ्यूलिंग है ये काफ़ी आसान हो जाएगी और भारत के जो फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स हैं उनको रिफ्यूल करने में भारत को कोई खास दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। दरअसल हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स इस समय पुराने IL-78 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है जो कि वर्ष 2003 में इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बने थे, यानी कि उन्होंने तकरीबन 19 साल की सर्विस को पूरा कर लिया है और इस समय वो मेंटेनेंस इशू से जूझ रहे हैं। और ये चीज़ हमने नहीं, खुद इंडियन एयरफोर्स चीफ ने भी एक्सेप्ट करी है कि इंडियन एयरफोर्स में इस समय फोर्स मल्टीप्लायर्स की कमी है और इसलिए इंडियन एयरफोर्स अलग अलग ऑप्शंस की तलाश में है। हालांकि अगर हम एम्ब्रेयर की बात करें तो एम्ब्रेयर ने यह भी कहा है कि अगर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो C-390 मिलेनियम है इनको सेलेक्ट किया जाता है तो इनका लोकल प्रोडक्शन होगा TOT के माध्यम से और भारत की ज़रूरत के हिसाब से इनको कस्टमाइज भी किया जाएगा और HAL के साथ मिलकर के वो इस जेट को लोकली प्रोड्यूस भी करेंगे। हालांकि एम्ब्रेयर के इस ऑफर को चैलेंज कर रहा है एयरबस क्योंकि एयरबस टाटा के साथ ऑलरेडी C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रहा है और इसी के चलते उन्होंने A400M का भी ऑफर किया है और ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और एयरबस का कहना है कि अगर इंडियन एयरफोर्स उसको सेलेक्ट करती है तो जहां पर अभी C-295 का निर्माण किया जा रहा है उसी फैसिलिटी में जो एयरबस A400M है उनका निर्माण भी किया जाएगा। फिलहाल देखते हैं आगे इंडियन एयरफोर्स इस पर क्या निर्णय लेती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।